easy go. गाइस वेलकम माय चैनल मेहदी गेमिंग पर। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपकी जब गेम आप फ़ोन को होम पर लेकर आते हो और फिर गेम को जब ओपन करते हो तो आपका गेम रिस्टार्ट होता है, तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता हूं। और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे और उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, वो सेटिंग्स आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों यहां पर मैं सेटिंग पर आ गया हूं, और यहां पर कुछ पहले जो बेसिक पर जो सेटिंग्स होता है ये आपको कर लेना है स्मूथ। ठीक है, यहां पर स्मूथ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं उस ऐप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए दोस्तों उस ऐप को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है। ठीक है, बाद यहाँ पर सर्च करना होगा गेम बूस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऐप्स आएगा उस ऐप को आप लोग करना होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जब तक मेरा इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऐप जो इंस्टॉल हो रहा है। और दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन का रैम मिनिमम 1 GB होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस ऐप को यहाँ से ओपन कीजिए, यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऐप लोडिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो परमिशन है यहाँ पर यहाँ से इसको चेक करना होगा। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह सा जो ये खुल जाएगा सेटिंग्स। ठीक है, वहाँ से आपको जो ये गेम बूस्टर का यहाँ पे यहाँ से इसको ऑन कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया हूँ, और मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, ऐसे ही आपका सपोर्ट करने पर ही मेरा चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो फ्री फायर का ऑप्शन है यहाँ पर इस यहाँ से सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका फ्री फायर यहाँ से गेम फ्री फायर बूस्टेड होकर यहाँ पर फ्री फायर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो गेम है यहाँ पर सिंपली ऑन हो गया है, वो बिना रिस्टार्ट के। ठीक है, यहाँ पर मैं जब होम पर क्लिक करता हूँ फिर यहाँ से मैं फ्री फायर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर फिर मेरा फ्री फायर बूस्टेड होता है और फिर वही पर ही ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यही था आज का ट्रिक। और दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ कि बाकी जो सारे ऐप्स चल रहे हैं वो सारे ऐप्स को आप लोगों को क्लियर कर देना होगा, नहीं तो ट्रिक वर्क नहीं करेगा। दोस्तों मेरा फ़ोन का रैम 3 GB है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जिसका 1 GB रैम है उसके लिए ये ट्रिक ज़रूर वर्क करेगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।